इस वीडियो में एक किचन का डिजाइन देखने को मिलेगा जो एक बिल्कुल सिंपल किचन का बनाया है, कड़ापा स्टोन में जो बनाते हैं उसका कॉस्ट क्या गिरेगा उसका भी डिटेल मिलेगा। साथ ही में इसमें एक फ्लोरिंग का डिजाइन देखने को मिलेगा, उसका कॉस्ट क्या रहता है डिजाइन में डाला हुआ है वो भी देखने को मिलेगा। वेस्टेज जो टाइल्स रहती है उसका क्या कॉस्ट गिरेगा उसका डिटेल मिलेगा वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं है सेलअप डाले हुआ है और उसके बाद में इसमें सामने दर्शन पट्टी भी लगाया हुआ है और ये कड़ापा स्टोन में कम्प्लीट फिटिंग किया हुआ है, जिसका कॉस्ट क्या गिरा वो भी पूरा डिटेल मिलेगा। 4 फुट हाइट तक इसमें टाइल लगी हुई है। उसके बाद में इसमें एक विंडो है सामने, जो सीढ़ी का जो एरिया है पूरा एल शेप में बनाते हैं किचन होटा है, सीधा सीधा किचन होटा है जो 10 फुट रनिंग फुट है कंप्लीट। और इसमें कोने में सिलेंडर है एक कोने में और एक कोने में इसमें पूरा स्टील सिंग लेसन लिया हुआ है कम्प्लीट। और एक 5 फुट हाइट तक इसका साइड पत्थर लिया हुआ है कम्प्लीट। ये एच टाइप इसका कटिंग करके पूरा 2 सेल्फ डाला हुआ है इसमें और ये सेल्फ को पूरा थारपोलिश किया हुआ है, 2 सेल्फ लिया हुआ है इसमें और इसको 2-2 इंच के खचके लिए हुए हैं कंप्लीट। ये जो खचके देख रहे हैं इसमें ये 2-2 इंच के हैं, ये कम भी ले सकते हैं ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसकी जो हाइट है साइड पत्थर की वो हाइट है टोटल 5 फुट। बाद में इसको टोटल धार पॉलिश कर दिया। ये कड़ापा स्टोन जो आता है आंध्रा का जो कड़ापा स्टोन है वो ये है कम्प्लीट। और इसकी चौड़ाई 29 इंच ली हुई है और इसको दर्शन पट्टी लगाई हुई है कम्प्लीट। ये देख सकते हैं 1.5 इंच की दर्शन पट्टी है इसको और ये स्टील सिंक देख सकते हैं इसमें एक, जो ये स्टील सिंक की अगर बात करेंगे साइज़ की तो ये साइज़ में 16 इंच बाय 18 इंच का है और 6 इंची इसकी डीप है, जो अंदर की जो डीप है ये 6 इंच है इसकी कंप्लीट। और ये आसानी से आपको 500 रुपये में मिल जाएगा कोई भी दुकान में। जो लाइट का जो स्टील सिंक आता है वो है मीडियम लाइट और हैवी, ऐसे 3-4 प्रकार के स्टील सिंक आते हैं। और इसके पीछे इसमें 4 फुट हाइट तक टाइल्स ली हुई है कम्प्लीट, प्लेन वाइट जो 12-18 की टाइल्स आती है ग्लोसी पॉलिश में ये है कंप्लीट। इसमें सतवारियो टाइप में इसमें डिजाइन है और एक विंडो देख सकते हैं इसमें, स्टील ग्रे जो ग्रेनाइट आता है उसमें पूरा फिटिंग किया हुआ फुल राउंड मोल्डिंग में। और स्लाइडिंग है इसके अंदर कंप्लीट, 3 ट्रैक के अंदर इसमें स्लाइडिंग है। और ये स्लाइडिंग जो देख रहे हैं ये स्लाइडिंग आपको 240 से 250 रुपये के आसपास इसकी स्क्वायर फुट की रेट लगेगी कंप्लीट, अगर फिटिंग करवाएंगे ऐसी स्लाइडिंग तो। और सामने देख सकते हैं इसमें एल टाइप में पूरी टोटल टाइल्स, एक सेलअप लिया हुआ है इसमें और 2 हाइलाइटर लेके फिटिंग किया हुआ है कंप्लीट। कोने में इसमें 2 सेल्फ 3 सेल्फ कितने भी डाल सकते हैं। और कोने में इसमें पूरा सिलेंडर का पाइप का होल लिया हुआ है, वो देख सकते हैं इसका पाइप का होल। और टोटल इसमें 12-18 की जो टाइल्स आती है वो फिटिंग की हुई है। ये टाइल्स की अगर प्राइस की बात करेंगे 240 से 250 रुपये के बीच में इसका बॉक्स मिल जाएगा आसानी से। मैट पॉलिश का भी आता है इसमें, 2x1 का भी फिटिंग करवा सकते हैं। एक विंडो सामने इसमें जो 1.5x3 का विंडो है कंप्लीट और ऊपर एक छज्जा आ गया वहाँ पर कॉन्क्रीट का। और सामने से अभी देखते हैं इसमें सेलअप डाले हुआ है, 6 फुट का इसमें, 6.5 फुट का और 1-2 फुट का इसमें, ये 1-2 फुट का है यहाँ पर इसमें, ये 2 फुट का है सेल्फ आ गया और सेंटर में लिया हुआ इसको। हाइट इसकी बात करेंगे तो 30 इंच हाइट ली है कंप्लीट इसकी, ये एक सेल्फ ले लिया इसमें और एक सेल्फ 6.5 फुट का ये है। और चौड़ाई में इसको 29 इंच लिया हुआ है टोटल, दोनों भी सेल्फ की जो चौड़ाई है 29 इंच लिया हुआ है। और सामने से देख सकते हैं इसको स्टील ग्रे ग्रेनाइट की दर्शन पट्टी ली है 1.5 इंच की पट्टी, जिसको धार पॉलिश करके पूरा फिटिंग किया है। इसमें अगर कड़ापा स्टोन की लेते हैं तो कड़ापा स्टोन की जाड़ाई ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसको स्टील ग्रे जो ग्रेनाइट आती है उसका पूरा फिटिंग किया है, दर्शन पट्टी या वाटर पट्टी बोलते हैं वो, टॉप से इसको 1/2 इंची बाहर लेके फिटिंग किया हुआ है ऊपर निकाल के। 2 इसमें स्टैंड लिए हुए हैं देख सकते हैं और 1 इधर साइड पत्थर में कॉइन फंसा के पूरा फिटिंग किया हुआ है। ये जो पत्थर इसमें ये पूरा कॉइन के अंदर ही फिटिंग किया है नीचे देख सकते हैं, ये पूरा 2 कॉइन के ऊपर इसको फिटिंग किया हुआ है और एरोडाइट से इसका पूरा जॉइंट भर दिया है कंप्लीट। वैसा ही नीचे का जो सेल्फ देख रहे हैं ये भी वैसा ही फिटिंग किया है कंप्लीट, दोनों के सेल्फ के अंदर कॉइन फंसा के और फिटिंग किया है। इसमें अभी फ्लोरिंग में देख सकते हैं, फ्लोरिंग में जो प्लेन आइवरी टाइल्स आती है सिंगल चार्ज की वो फिटिंग की है। ये इसमें कोने जो टूटी हुई टाइल्स आती है वो फिटिंग की है, जिसके अंदर टिकली डाल के पूरा फिटिंग किया हुआ है, 2.5 इंच की जो टिकली आती है वो डाल दिया इसमें, कोने टूटी हुई जो टाइल रहती है वहाँ पे कोने में, जिसके अंदर डिजाइन का डिजाइन बन जाता है और वेस्टेज जो टाइल रहती है वो काम में आ जाती पूरी। और ये सस्ती भी मिल जाती है अपने को आसानी से। और वहाँ कोने में देख सकते हैं इसमें सिलेंडर का जगह छोड़ दिया वहाँ पे, 20 इंच की जगह छोड़ दिया सिलेंडर की, ये सिलेंडर का जगह छोड़ दिया है इसमें। और ये रूम में फ्लोरिंग में देख सकते हैं सिंगल चार टाइल्स जो आती है वो 22 से 23 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाएंगे आसानी से, ऐसे कोने टूटी हुई टाइल।
और इधर से देख सकते हैं इसको साइड पत्थर का डिजाइन। अभी इसका अगर कॉस्ट का बात करेंगे तो ये आपको टोटल ये अभी गिर गया है 11,500 रुपये में कंप्लीट, इसका लेबर कॉस्ट और टाइल्स, उसके बाद में इसका जो कड़ापा स्टोन है वो पूरा कंप्लीट, टोटल कॉस्ट आई है इसको 11,500 रुपये। और इसमें अगर और अपन साइड पत्थर दोनों साइड से लेना चाहते हैं तो दोनों साइड से भी आ जाता है, उसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसमें नीचे वहाँ पे एक पट्टी भी लगा सकते हैं 3 इंच की ग्रेनाइट की टाइल्स के नीचे, और 35 रुपये स्क्वायर फुट से कड़ापा स्टोन मिल जाएगा। और इसके अंदर कोटा स्टोन भी आता है, वो भी लगा सकते हैं। कोटा स्टोन की रेट हाई रहती है उसकी, 45 रुपये के आसपास रेट रहती है, ये 35 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाएगा सिंगल पॉलिश का। इसके अंदर डबल पॉलिश का आता है वो 40 से 45 रुपये गिरेगा। ये पूरा सिंगल मोल्डिंग के अंदर फिटिंग किया हुआ है और सिंगल पॉलिश का ही है, एक साइड से रफ है ये पूरा देख सकते हैं और एक साइड से इसको पॉलिश है। ये इधर पॉलिश वाला भाग है इसका, और अंदर की साइड से इसको पॉलिश नहीं है, पूरा रफ है। यही अगर किचन ओटा ग्रेनाइट में बनाते हैं तो ग्रेनाइट का टॉप और लग जाएगा इसके ऊपर सीधा सीधा। केमिकल में फिटिंग कर सकते हैं ऐसा टॉप, एक वीडियो पहले भी आया है वो चेक कर सकते हैं केमिकल में अगर फिटिंग कैसे करें, उसका पूरा वीडियो आया हुआ है, ब्लैक ग्रेनाइट का टॉप का वीडियो है टोटल, वो भी सेम ऐसा है सीधा सीधा ही लिया हुआ है कम्प्लीट। और एक ग्रेनाइट का डोर का डिजाइन बता देता हूँ आपको, इसमें ये दो नल के पॉइंट लिए हुए हैं यहाँ पे, और नीचे इसका आउटलेट निकाल दिया जो डायरेक्ट दीवार से ही निकल जाएगा कंप्लीट, अभी फिटिंग नहीं किया इसका आउटलेट नीचे। एक सिंगल मोल्डिंग में ये देख सकते हैं डोर, यहाँ पे हॉल और किचन की जो एंट्री रहती है वहाँ पे है ये, इसको दोनों साइड से फुल राउंड मोल्डिंग करके फिटिंग किया हुआ, स्टील ग्रे जो ग्रेनाइट आता है वो पूरा इसमें फिटिंग किया है फुल राउंड मोल्डिंग के साथ में। ये अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो ये आसानी से आपको 75 से 80 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाएगा ये ग्रेनाइट। इसमें थोड़ा लाइन का मटेरियल है, ब्लैक लाइन है इसके अंदर जो देखने को मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं इसमें ब्लैक लाइन। इसमें प्रेस का मटेरियल लेंगे तो प्रेस का मटेरियल आसानी से आपको 90 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाएगा। ये ब्लैक लाइन है इसके अंदर जिसकी वजह से इसकी रेट कम हो जाती है, ये लाइन है इसमें ब्लैक लाइन जिसकी वजह से इसकी रेट कम हो जाती है। और इसी में प्रेस का मटेरियल लेंगे लाइन पॉलिश का तो वो आपको 90 से 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और फुल राउंड मोल्डिंग देख सकते हैं इसकी पूरी कंप्लीट। और किचन के अंदर 3 ट्रैक के अंदर विंडो ली हुई है जो देकर है एल्युमिनियम की, और इधर 3-4 विंडो है जो डबल ट्रैक के अंदर ली हुई है, इसमें कैसी भी फिटिंग करवा सकते हैं डबल ट्रैक में या 3 ट्रैक के अंदर। 2 विंडो है इसमें किचन में टोटल कम्प्लीट। और इस स्लाइडिंग के अंदर बीच में जो देख रहे हैं वो इसको ग्लास लगाने के बाद में इसके ऊपर जो पेपर आता है डिजाइन का वो फिटिंग किया हुआ है। और 3-4 विंडो और दिखा देता हूँ आपको मैं, एक ये सामने देख सकते हैं 4x4 का विंडो सिंगल मोल्डिंग में, इसी को ही धार पॉलिश करवाएंगे तो आपको 85 रुपये पर रनिंग फुट लग जाएगा आपको ग्रेनाइट फिटिंग और उसका धार पॉलिश। यही फुल राउंड मोल्डिंग में अगर फिटिंग करते हैं तो आराम से 100 रुपये रनिंग फुट लगेगा आपको। 16 फुट की टोटल विंडो बढ़ती है, 4x4 की अगर विंडो रहती है तो 16 फुट के 1600 रुपये आपको चार्ज लगेगा टोटल एक विंडो फिटिंग का। एक सामने देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे, ऐसे 3 विंडो है टोटल ये। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो ऐसे नए नए आइडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।